बार बार मेरा उपहास कर रहे हो। तुम्हें शाप देता हूँ। तुम पत्थर बन जाओ। तुमने कोई बुरा सपना देखा है? देवकी, मुझे मैं लग रहा है स्वामी, मैं लग रहा है। प्रणाम, कहाँ है मैची दुर्वासा? क्या बात है नंदरानी जी, कन्हैया को ढूंढ रही हो? देखिए नंदरानी जी, अभी अभी उसने एक मटकी तोड़ी है। नहीं, हम महर्षि दुर्वासा को ढूंढ रहे हैं। महर्षि को? वो तो क्रोधित होके उस दिशा में चले गए। वो मार्ग तो गोकुल से बाहर जाने का है। हे भगवान, कहीं महर्षि हमसे रुष्ट होकर चले तो नहीं गए? ये अच्छा नहीं हुआ यशोदा, हमें दुर्वासा को वापस लाना होगा, उनका उचित आदर सत्कार और आतिथ्य करना होगा। ये मैं कहां पहुंचा हूं? गोकुल के बाहर वो बच्चा उचित ही कह रहा था। वो रहे महर्षि दुर्वासा, आओ। नंद राय का प्रणाम स्वीकार कीजिए महर्षि। कल्याणमस्तु। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भव। आपने गोकुल में आकर गोकुल को पवित्र कर दिया भगवान। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप हमारे घर चलकर हमें अनुग्रहित कीजिए, ताकि हम आपका आदर सत्कार और आतिथ्य कर सकें। तुम्हारी और यशोदा की विनम्रता ने मेरा मन जीत लिया है। हम धन्य हो गए प्रभु, परंतु तुम्हारे गोकुल के बच्चों में संस्कार नहीं है। बड़ा ही त्रास दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता ना करें महर्षि, आपकी उपस्थिति में मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। अब आप फलाहार के लिए चलिए महर्षि। यशोदा, उसके पहले मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि कृष्ण परमेश्वर का अवतार है। अपने पुत्र कृष्ण को बुलाओ नंद राय। जी कृष्णा। कन्हैया आया ना पिताजी। जय श्री कृष्ण।
यहाँ? यहाँ मेरे घर में क्यों आए हो? तुम्हारा घर महर्षि, ये मेरे पुत्र है कृष्ण। समझे ऋषिवर जी, ये मेरा माखन खाने आए हैं। कन्हैया, क्या बोले जा रहे हो? ये महान ऋषि हैं। मैया, मुझे क्यों डांट रही हो? इन्हें डांटो। जब माखन खाने बुलाया था तब नहीं आए, अब मैं इन्हें माखन नहीं दूंगा। चुप करो कृष्णा। इनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। प्रभु, आपकी बात न मैया समझी है न ही पिताजी, और दुर्वासा ऋषि को तो आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो कैसे जानेंगे? महर्षि, कृष्ण अभी बच्चा है, इसे क्षमा कर दीजिए। कन्हैया, हर आया अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? ऐसा? मैया, ताऊ भैया से पूछ लीजिए, हम तो अतिथि की पिटाई करते हैं। मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम्हारी पिटाई करूं। देख रहे हैं आप, आपके कारण मैया मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप यहाँ आए क्यों बाबा जी? खाना? आज क्या हो गया कृष्णा को, कैसी बातें कर रहा है ये? आप मुझे डांट रहे हो, मैं जाता हूँ। ठीक है, खुश बच्चा है, बचपना तो करेगा ही, परंतु भगवान कभी ऐसा बचपना नहीं कर सकते, यह भगवान नहीं हो सकता। कुछ नहीं जानते आप, आपका तप व्यर्थ है। कन्हैया, कान पकड़। बाबा जी इधर आओ, मैया के लिए आपके कान पकड़ूं। अपने कान पकड़ो कन्हैया।
उठक बैठक करो। अब जाने भी दो ना यशोदा। नहीं जी जी, इसे भी तो पता चले बड़ों का आदर करना चाहिए, ऋषि मुनियों का सत्कार करना चाहिए। केवल ग्वाल बालों के साथ खेलने से कुछ नहीं होता। जाने दो। तुम क्या सुन रहे हो, उठक बैठक करो। कान पकड़ो, ठीक से उठक बैठक करो। रहने दो कृष्ण। इतने महान ऋषि हमारे घर आए हैं, तुमने इन्हें प्रणाम किया, इनका आशीर्वाद लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से देखते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं है। मुझे इनसे भय लगता है। भला भगवान मुझसे क्यों भयभीत होंगे, यह बच्चा भगवान नहीं हो सकता। चलो इन्हें प्रणाम करो।